हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जैसे कि दीपावली का टाइम है और बहुत ही सभी लोग क्लीनिंग करने में लगे हुए हैं, घर की, बाहर की, सभी जगह की करने में। क्योंकि जब हम घर की सफाई कर रहे हैं तो अपनी सफाई करना भी एक नेचुरल सी बात है। सो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत प्यारा सा फेस पैक, जो कि हमारा चेहरे की जितनी भी गंदगी है हमारे फेस में लेयर बाई लेयर जो अंदर चली जाती है उसको बाहर निकालेगा। सो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये चारकोल का फेस पैक, जो कि एक्टिवेट चारकोल है। और आप लोगों को पता है कि चारकोल का फेस पैक हमारे स्किन के लिए कितना बढ़िया होता है, जो भी हमारी डीप क्लींजिंग करता है, डीप क्लीनिंग करता है हमारे चेहरे के लिए। तो ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है, बहुत ही प्यारा है। ये कलर जो ऊपर के इससे कैप का है वो बहुत ही अच्छे कलर है। और डीप क्लीनिंग, अगर आपको डीप क्लीनिंग करनी है अपनी फेस पैक की, क्योंकि दीपावली पर सब लोग अपने घर की डीप क्लीनिंग करते हैं, तो हमें फेस पैक अपने फेस की और बॉडी की भी करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि फेस पैक लगाने जा रही हूँ तो मैं आप लोग के साथ शेयर भी कर देती हूँ। सो ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है और ये बहुत ही प्यारा है। और देखिए, और इस टाइम तो दीपावली के ऑफ, मतलब दीपावली पे काफ़ी बम्पर छूट चल रही है, ऑफ चल रहा है, 80% डिस्काउंट, बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। और कूपन कोड और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में है, सो चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप लोग लिंक को चेकआउट ज़रूर करें, क्योंकि इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में मैंने पिन कर रखा है। और एक बार लिंक पर जाएं और देखें, और अगर आपके बजट में अफोर्डेबल लगे तो आप लोग ज़रूर ख़रीदें, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको इस टाइम मिल जाएगा। क्योंकि ये अगर आपके साथ आपके अगर ये निकल गए ऑफर्स, जो ऑफ चल रहा है निकल गए, तो फिर आपको ये पूरी रेट में मिलेगा। और इस टाइम अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं तो और ज़्यादा ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो आप ये यूज़, मतलब कूपन कोड आपका कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में है, और ज़रूर ख़रीदें इसको। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह की पैकेजिंग में है। इस तरह की पैकेजिंग में आ रही है, फ्लैश आ रही है इसकी चमक। और ये में इस तरह से इसका एक कैप है और इसके अंदर एक कैप और आता है ताकि ये खुल ना जाए। और ये देखिए कुछ इस तरह से है। तो अभी तो मैं नहीं लगा रही हूँ, अभी तो मैं फ़ेस वॉश करने जा रही हूँ, तो मैं आपको फ़ेस वॉश करने के बाद दिखाती हूँ ये किस तरह से लगता है। हे गाइस, गुड। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ फेस पैक, और हमें फेस पैक लगाने से पहले हमें फेस वॉश अच्छी तरह से कर लेना चाहिए, क्योंकि जितना भी हमारे चेहरे पे मेकअप क्रीम वगैरह जो भी होता है वो सब निकल जाए। सो यहाँ पर क्या है ना, दिया मुझे 12 बुला रही थी तो मुझे बीच में उठ के जाना पड़ा, तो इसलिए मैं गई थी, फिर मैं आ गई थी। और यहाँ पर हमें जो भी फेस पैक होता है वो हमेशा अंदर से बाहर की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ लगाना चाहिए, ताकि हमारे जो चेहरे पर झुर्रियाँ हैं वो ना रहें और फाइन लाइंस वगैरह जल्दी ना आए, तो इसकी वजह से ऐसे लगाना चाहिए। सो एज़ ये जो फेस पैक है ना, बहुत ही अच्छा है। मैंने सोचा दीपावली आ रही है तो थोड़ी सी मैं अपनी भी फेस पैक वगैरह लगा कर रेडी हो जाऊँ तो शाइन आएगी। वैसे हम लोगों की दीपावली इस बार नहीं मनाई जाएगी, वो आपको पता चल ही गया होगा। सो इसकी वजह से ही तो मैं यहाँ पर है ना कर रही हूँ फेस पैक। उसके बाद मैंने कल वीडियो शूट नहीं करी, अब मैं ना मॉर्निंग से वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर नहा कर आ गई हूँ और मैंने हेयर वॉश किया हुआ है। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय बना रही हूँ यहाँ पर, और एक तरफ मैंने रख दिया है पानी गर्म होने के लिए, और मैं चाय और पानी गर्म होने के लिए दिया के लिए रखा हुआ है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज मैं जब से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, और अभी मेरा एक ब्लॉग पब्लिश हुआ है, तो यहाँ पर मैं आई थी कपड़े डालने, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा मेरे कपड़े डालने आई हूँ। और यहाँ पर है ना गेहूँ पड़े हैं नीचे वाली भाभी के, और चटाई वगैरह मैंने उधर डाल दी है। मुझे एक्चुअली में चटाई भी सही करनी है, वो नीचे से फट गई है तो उसको मुझे सिलना है। एक मिनट पुश कर दूँ, कॉपी राइट आ जाता है। सो मुझे पोस्ट करनी पड़ी वीडियो, मैं अपनी ही वीडियो देख रही हूँ कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, क्योंकि हमें वीडियो डालने से पहले काफ़ी सारी चीज़ चेकआउट करनी पड़ती हैं, डालने के बाद एडिटिंग के बाद देखनी पड़ती है, फिर भी मिस्टेक हो जाती है। सो फिर भी इतना राय का पहाड़ बन जाता है। और ये मैंने सुबह जो लिपस्टिक लगाई थी वही लगी हुई है, अच्छी लग रही है ना। इसमें सबसे अच्छी बात मुझे पता है क्या लगती है, SQ के प्रोडक्ट में ये पपड़ी वगैरह जो पड़ती है ना, और उस प्रोडक्ट्स में उनमें ये चीज़, इसमें ये चीज़ नहीं है इसकी वजह से। तो बस यही चीज़ मुझे, तो मैंने सोचा आज का ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर, वो भी देसी स्टाइल में, मतलब सिल पर। सो पूरी वीडियो वॉच करना, आपको सिखाऊंगी। और जो
देसी स्टाइल में चीज़ें बनती है ना, उसकी जो स्वाद होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा यमी होता है। मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कितना, दिखा सकती हूँ और अगर आप लोग मेरे पास होते तो मैं शायद आपको चेकआउट भी कराती, दिखाती, खिलाती। तो आज मैं उसी तरह से बनाऊँगी, सब चीज़ सिल पर पीसूँगी, तो मुझे अच्छा भी लगता है इस तरह से। इसको टेस्टी चीज़ें बने तो खाने में भी अच्छा लगता है, चीज़ अच्छी बनती है तो दो की जगह हम चार चीज़ खा लेते हैं। बस यही है। तो मैंने आज कपड़े वपड़े वॉश कर लिए हैं, मुझे मैंने आटा लगा दिया है, पालक उबाल दिया है, और पता क्या है मेरे कुकर में ना सीटी नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो गया है। पालक उबाल दिया, मुझे उसको पीसना है, मसाले पीसने, मसाले बना के पीसने हैं, ये सब मुझे करना है, तो मैं नीचे आके करूँगी। और फिर आपको ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन प्लस कॉमेंट सेक्शन में होगा, एक बार क्लिक करें और चेक करें और मुझे कॉमेंट में बताएँ कि आपको कैसा लगा। तो चलिए फिर। सो गाइस, यहाँ पर मैंने मसाला बना रही हूँ सब्जी के लिए। उसके लिए मैंने जीरा, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्च पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पर सूखी रेड चिली जो सूखी हुई होती है वो मैं यहाँ पर ले रही हूँ। और इसके बाद मैं इसको मसाला पीस लूँगी और बहुत ही यमी मसाला बनता है ये। इस तरह से अगर आप सब्जी बनाते हो ना तो सच में बहुत अच्छी लगती है, आप लोग एक बार ज़रूर बना के देखना। और कल की चटनी वाले वीडियो में आप लोग बोल रहे थे कि मैंने ना मतलब गरम मसाला डाल दिया था, तो एक्चुअली वैसे मैं नहीं डालती हूँ, बट क्या हुआ था, भाभी ने बोला था डाल के देखो चटनी में बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, एक और कमेंट आया था कि हींग नहीं डालते, हींग तो डालते हैं चटनी में, हींग जीरा ये सब डालते हैं, बट गर्म मसाला उन्होंने बोला सो मैंने डाल दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस, यहाँ पर मैं ना पालक को पीस रही हूँ, पालक को एक तरफ मैं रख लूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पर हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बना लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे यहाँ तो वो यूज़ नहीं होता है लहसुन प्याज, सो इसीलिए। गाइस, यहाँ पर है ना मेरे सभी का पेस्ट बन गया है और यहाँ पर मैंने टमाटर का पेस्ट बना दिया है। और आप लोग देख सकते हैं दिया ने मेरी है ना चुन्नी पहन ली है और कितना ऊधम मचा रही है। तो यहाँ पर मैं सब्जी बनाने आ गई हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें डाला है मैंने मस्टर्ड ऑयल, तो इसे मैं पकने दूँगी अच्छी तरीके से। और आप लोग को पता है कि मैंने ऑलरेडी मसालों का पेस्ट बना लिया था, तो मुझे सूखे मसाले ऐड नहीं करने हैं, बट मुझे यहाँ पर क्या करना है कि बस मुझे यहाँ पर थोड़ी सी हींग डालनी है। मैंने वहाँ पर हींग ऐड नहीं करी थी, लेकिन आप चाहो तो हींग भी कर सकते हो, हींग हमारे डाइजेस्टिंग सिस्टम को ठीक करती है, प्लस खुशबू जो होती है ना हींग की बहुत अच्छी आती है सब्ज़ी में। तो यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर जो मसाले का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है, और इसको अच्छी तरह से मैं पकने दूँगी जब तक इसका जो तेल होता है वो ऊपर नहीं आ जाए, तब तक उसे मैं पकने दूँगी। और इसके बाद मैं यहाँ पर जो मैंने और जो मिर्च और अदरक पीसे थे वो मैं ऐड करूँगी। तो मैं एक साइड में पानी ले रही हूँ जग में, क्योंकि जग में एक थोड़ा ज़्यादा पानी आता है इसके कारण से। और यहाँ पर मैंने दिया के लिए खाना बना दिया है, दो पराठे, सो मैं दिया को भी खाना दे दूँगी, उसे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी। एक तरफ जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ, वैसे मेरा आटा लगा रखा है, मुझे थोड़ा सा खाना बनाना भी है अपने लिए, पर दिया के लिए मैं बना चुकी हूँ, सो इसी वजह से। तो यहाँ पर जो मसाला है मेरा अच्छी तरह से पक गया है, तो मैंने यहाँ पर अब ग्रीन चिली और जिंजर का पेस्ट जो मैं बनाई थी वो मैंने यहाँ ऐड कर दिया है, और ये बहुत ही अच्छा बनता है। इसकी वजह से मैंने फिर यहाँ पर टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया है, और मैं इसे अच्छी तरह से पकने दूँगी जब तक कि इसमें तेल ना छूट जाए। और अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, इसके बाद मैं यहाँ पर जब तक ये टमाटर का पेस्ट पक रहा है तब तक मैं बाहर थोड़ा सा कोई काम था वो मैं करने चली गई हूँ। इधर आ गई है दिया और उसे भूख लग रही थी, तो दिया बोली मम्मी मेरा खाना लगा दो, मैंने दो मिनट रुक जाओ बस सब्ज़ी को बनने दो, वैसे खाना आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर दिया मेरे पीछे खड़ी हुई है, वो मुझसे कह रही है खाने की। और इसके बाद मैं यहाँ पर अच्छी तरह से जैसे मेरा मसाला पकता है उसमें मैं डाल दूँगी, जो मैंने पालक पीसा हुआ था वही मुझे डालना है। तो बस यहाँ पर मेरा मसाला पक गया है, तो अब मैंने यहाँ पर पालक डाल दिया है और मैं इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी जितना भी हमें पानी चाहिए, उसकी जितनी कंसिस्टेंसी में पानी की चाहिए उतना पानी हम ऐड कर देंगे। लेकिन अभी मैंने यहाँ पर पनीर ऐड नहीं करा है, सो मैं पनीर बाद में ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मेरा पानी ऐड मैंने कर दिया है, थोड़ा सा नमक और बढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि पानी ऐड करने के बाद नमक
कम हो जाता है। सो बस मैं इसको है ना एक दूसरी कढ़ाई पर रख दिया है और अब मैंने यहाँ थोड़ी देर पकने दिया था, बबल्स आने लग गए थे, वैसे ही मैंने यहाँ पर पनीर डाला है, मैंने वो कट कर दिया, नहीं तो वीडियो लंबी होती है। सो इसलिए आप लोग अच्छी तरह पकने दें तब पनीर डालें। तो मैं इसे ढकोड़ दूँगी कढ़ाई को ताकि ये अच्छी तरह से जो पनीर है ना वो मसाले में मिल जाए और जो हमारी पालक पनीर की सब्ज़ी है वो थोड़ी सी थिक हो जाए इसकी वजह। तो यहाँ पर हो रहा है इवनिंग का टाइम और मैं यहाँ पर रूम को सेट कर रही हूँ और मैंने इवनिंग में खाना नहीं बनाया था क्योंकि सुबह का खाना ही था, सो वही बच गया था तो वही खाऊंगी। पालक पनीर की सब्ज़ी रखी है थोड़ी सी और पराठे, और यहाँ पर मेरे है ना जो पिलो कवर थे वो थोड़े साइड से फट गए थे तो मैं यहाँ पर उसे सिल रही हूँ। एक्चुअली मैं क्या आप लोगों को पता ही है कि हर लेडीज़ क्या करती है कि ना टू इन वन काम करती है, मतलब सोचती है ये काम कल के लिए ना बचे इसकी वजह से, तो बस यहाँ पर सिल रही हूँ मैं। उसके बाद मैं आप लोगों से दिया की एक्टिविटी अनार वो तो दिखा दिख नहीं रहा मौसी को। आम ये जो छोटी से मिले अभी ये एक उल्लू बड़ा उल्लू बड़ा उल्लू जिसे जिसे भजन बजाने के लिए है मम्मी ये बजाने के लिए एक जे एरी गिर जान दो टूर्नामेंट का सब लोग ने देखी नहीं थी गुड़िया जो ना मम्मी दिखा दी थी मैंने नहीं वो जाओ रहे ना इसको मार मार के मारते फिर जे आ चुकी ये काफी मेरा है जो मेरा है ना ये मेरी लड़की मैं इसको बहुत संग देखो पहले इसको मैं ऐसे कर लेती फिर ऐसे हो जाता है एक ऊपर हो जाता है। सब होपफुली अब सब बहुत बढ़िया होंगे और अभी इवनिंग के कितने बज रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। इवनिंग के बज रहे हैं 9:18 हो रहे हैं और मेरा सारा काम जो इवनिंग का था वो फिनिश हो गया है। आप लोगों को पता है तो बनाई थी पालक पनीर की सब्जी तो वही शाम को खाई थी तो पैर में इतना लेट हो गए थे कि फिर शाम को ना वही थी तो वही तो बहुत देर से 16 मिनट की दिया वीडियो बनाई थी तो मैंने कट कर दी क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो रही थी तो दिया 16 मिनट की वीडियो से आप लोगों से चादर नहीं बिछाई है सो दैट क्योंकि मतलब मैंने चटाई बिछा दे रही हूँ मॉर्निंग में बिछाऊंगी थोड़ा सा गद्दे को है ना मैं ऊपर सुखाने के लिए लेके जाने वाली हूँ इसकी वजह से मैंने आज चादर नहीं बिछाई क्योंकि चादर बिछ जाती है तो भूल जाती हूँ मैं इस वजह से। और मैंने यहाँ कंबल वगैरह रख दी है सोने के लिए क्योंकि तो रात में काफ़ी ठंड हो जाती है देखने के लिए। आप लोग बोलते हो ना दिया की छोटी कर दिया अगर वो खुद से ही खोल देती है स्कूल से आके स्कूल ही करके जाते क्योंकि डांट पड़ती है मैडम की फिर से आगे खोल देती है। यहाँ रखा है बस कुछ नहीं ज़्यादा सामान नहीं था और जो भी सामान आया था आपको लिंक कमेंट सेक्शन में प्लस डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं आप चेकआउट कर लेना और लिंक जरूर चेक करना। जो प्रोडक्ट आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट बताना आज का प्रोडक्ट कैसा लगा और बस यही है। तो गाइस मैं यहाँ पर है ना नेक्स्ट डे की वीडियो शूट की है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ सूजी के तैले और इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी पहले भी शेयर कर चुकी हूँ तो मैं उन लोगों से कुछ बोलना चाहूँगी जो कल की वीडियो में उन्होंने मुझे रुला ही डाला इतना गंदा गंदा बोला एक गर्म मसाले और चटनी की वजह से चटनी नहीं हुई कि बवाल ही हो गया कुछ ने तो सही से बोला कि गर्म मसाला दीदी डालते नहीं है बट मैं भी नहीं डालती थी मुझसे ना भाभी ने बोला डाल के देखो अच्छी बनती है तो मैंने डाल दिया वाकई में चटनी अच्छी थी। सेकेंड नंबर ये होता है कि जो किचन का काम होता है ना वो हमारा एक एक्सपेरिमेंट होता है मैं ये नहीं है कि अगर सामने वाला सिर्फ दाल
दाल में नमक मिर्च और धनिया डाला है, तो हम भी दाल में नमक मिर्च धनिया डालें और भी कुछ न्यू ट्राई करके और उसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। सो बस मैंने यही करा था। इसका उन लोगों ने राई का पहाड़ बवाल बना दिया, चटनी क्या हुई कि बवाल ही हो गया मेरे, तो ऐसा लगता है कि मैंने गलती कर दी शेयर करके। सो चलिए छोड़िए, मूड ऑफ नहीं करते हैं ऐसे लोगों की वजह से। तो गाइस ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब दिया। अगर चैनल पर न्यू वीडियो आई उसको भी देख लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।